आज जांजगीर तहसील अंतर्गत भादा और नवापारा रेत उत्खनन क्षेत्र में पुलिस और राजस्व द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। उस दौरान एक जेसीबी और 3-4 हाइवा को मौका में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनको पकड़ा गया है और उनको लाकर अभी थाना में रखा गया है और उस पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए उनको माइनिंग विभाग को भेजी जाएगी। हाँ, जेसीबी भी मौका पे था लेकिन वहाँ पर कोई दस्तावेज नहीं था, इस कारण उसको जब्त किया गया है और उसके संबंध में जो भी है उसका विस्तृत जांच माइनिंग विभाग करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे लोग। शासन के नियमानुसार अवैध रेत माफिया के विरुद्ध कड़े निर्देश प्राप्त हुए थे, इसी तारतम्य में FDM SDOP तहसीलदार थाना प्रभारी की तरह संयुक्त टीम बनाई गई थी माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ, और तीनों संयुक्त टीम के द्वारा भादा और गाड़ापाली नवापारा एरिया में दबिश और रेड की कार्रवाई की गई है और छापामार कार्रवाई में मौके में बहुत सारे ऐसे वाहन मिले हैं जिनमें रॉयल्टी नहीं थी, जिस पर 4 हाइवा को और साथ ही साथ उस क्षेत्र में जेसीबी थी, जेसीबी माउंट चेन वाले भी उनको भी जब्त किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। जो भी अवैध रेत खनन में इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और सभी प्रकरणों को माइनिंग डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, उनके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।